नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर हरहुआ वाराणसी के तत्वावधान में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक 5 दिवसीय नेशनल एथलेटिक मीट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल एथलेटिक मीट में कुल 26 क्लस्टर प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 20 क्लस्टर भारत देश से तथा शेष गल्फ देशों ओमान, कतर, अरब देश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन तथा कुवैत से आए लगभग 3,500 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस नेशनल एथलेटिक मीट के उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि के रूप में एस राजलिंगम, जिलाधिकारी वाराणसी, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज शर्मा, कमांडेंट 11वीं बटालियन NDRF की गरिमामयी उपस्थिति सभी के लिए अजस्र ऊर्जा एवं प्रेरणादायी रही। संस्था सचिव राहुल सिंह ने पधारे सभी अतिथियों का स्वागत एवं मुखर अभिनंदन किया तथा कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद विद्यालय सभी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सर्वोत्तम सुलभता उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेल की गरिमा एवं अनुशासन बनाए रखने की अपील की। हाँ सर, आज किस तरह का ये गेम का आयोजन हुआ है और कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए? ये CBSE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक मीट NDRF 2024 का आयोजन आज इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें पूरे देश से और गल्फ कंट्रीज से मिला के 3,500 से अधिक खिलाड़ी और उनके कोचेज आए हुए हैं। तो खेलों का आयोजन जो है भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में किया जाएगा। आज उद्घाटन समारोह था। मुख्य अतिथि कौन कौन से? मुख्य अतिथि हमारे आज के जिलाधिकारी थे और खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे? खिलाड़ियों के लिए कहेंगे कि हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। खूब जम के खेलिए, खेल की तरह खेलिए, हार जीत लगी रहती है और ऐसा ना हो कि आप किसी उसमें फंस जाएं कि हम हार गए तो निराशा आ जाए आपके मन में। हालांकि जो खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचे हैं उनके अंदर ये भावना नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड मेडल क्लस्टर में लेने वाले ही 26 क्लस्टर के खिलाड़ी आए हैं, गोल्ड मेडल लेने वाले ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ऐसे खिलाड़ी चाहे जिस राज्य के हों उनके अंदर खेल भावना प्रबल होती है, इसलिए उनके अंदर ऐसी निराशा हार या जीत की स्थिति में नहीं आई कि मुझे मालूम है, ना वो जीत में अत्यंत खुश होंगे ना ही हार में निराश होंगे। आज नेशनल CBSE एथलेटिक मीट का शुभारंभ यहाँ पे हुआ था। एक्चुअली अतुलानंद कॉन्वेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और देश के कोने कोने से भी स्कूल 3,500 से ज़्यादा बच्चे और टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत मेगा स्तर के इवेंट है और गल्फ कंट्री से भी बच्चे आए हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वाराणसी के एक स्कूल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सभी बच्चों को वाराणसी के प्रति, यहाँ की जो शिक्षा के प्रति, यहाँ कैसे इसको डिजाइन किया जाता है इसको देखने के लिए मिलता है और सभी बच्चों को प्रशासन की ओर से भी शुभकामनाएं। ये इवेंट सफलता के लिए मेरे शुभकामनाएं।